हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल ने डोभाल के बहाने मोदी पर निशाना साधा। नई दिल्ली 20 नवंबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकारी अधिकारियों पर सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ताजा आरोप यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने एक मामले में दखल देने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी करते हुए मंगलवार को ट्वीट किया, दिल्ली में चौकीदार चोर है, नमक एक क्राइम थ्रिलर चल रहा है। उन्होंने कहा, एन एपिसोड में सीबीआई के डीआईजी ने एक मंत्री, एनएसए विधि सचिव और कैबिनेट सचिव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डोभाल सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि सीबीआई के विशेष निदेशक राजेश अस्थाना के खिलाफ जांच में उन सभी ने दखल की थी। राहुल ने कहा, गुजरात से लाया गया उनका साथी करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा है, असफर थक गए हैं, भरोसा टूट चुका है, लोकतंत्र रो रहा है। सीबीआई अधिकारी एम के सिन्हा ने डोभाल व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी पर अस्थाना के खिलाफ जांच में दखल देने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद राहुल ने यह ताजा हमला किया है। अस्थाना रिश्वत के आरोप का सामना कर रहे हैं। अस्थाना मामले की जांच कर रहे डीआईजी रैंक के अधिकारी सिन्हा को अचानक केंद्र सरकार ने नागपुर स्थानांतरित कर दिया। सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय कोयला व खदान राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी को कुछ करोड़ रुपए दिए गए थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।